हेलो फ्रेंड्स, जीएस ज्ञान ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये चैप्टर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या UPPCS की या UKPSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम SSC बैंकिंग रेलवेज NDS CDS किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यदि आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो भी ये क्लास 9th में दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर है उसका NCERT के बुक्स में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, उसको इसमें डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को देखने के इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, यानी इस वीडियो को जब आप देख चुके होंगे तो क्लास 9th का एक चैप्टर तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ कंपटीशन का भी एक टॉपिक तैयार हो जाता है। तो इसलिए आप सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद NCERT के बुक्स में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसके सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है उसको समझ लेना पहले ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो भी नंबर हो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं अगर, और Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जो होता है जीरो के बराबर ना हो, तो ऐसे सभी नंबर को हम रैशनल नंबर कर देंगे। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख पाते हैं, तो उसको हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। और रियल नंबर इसी तरह से होता है, डेसिमल फ्रैक्शन भी होता है जो डेसिमल में आ जाता है। ये सब चीज़ें आगे अभी अब एक्सरसाइज में डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ की काउंटिंग करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। जैसे कि 1 है 2 है 3 है, यानी 1 2 3 4 5, ऐसे जितने भी नंबर्स आते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1% 2% 3%, 1.5% कहीं नहीं होता है, 1.2% कहीं नहीं होता है, यानी पॉइंट वाला हम नहीं काउंट होंगे। नेगेटिव में होगा वो डिजिट, नेचुरल नंबर नहीं होगा। यानी नेचुरल नंबर वो सारे नंबर होंगे जो सीधे सीधे रहें, यानी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, और सीधा 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होते हैं नेचुरल नंबर, जिसका इस्तेमाल हम किसी चीज़ को काउंट करने में कर सकते हैं। तो ये हो जाता है नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वे सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे जो अवेलेबल हैं और उसके साथ में जीरो हो जाता है, यानी जीरो के साथ, यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे करके जाता है, इसको W से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जीरो एक एक्स्ट्रा नंबर है। तो होल नंबर और जीरो नेचुरल नंबर में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। और होल नंबर जो होता है जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 ऐसे करके और इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगला आता है इंटीजर। इंटीजर वह नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर लाई करते हैं। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ मान लेते हैं ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ होता है जीरो, इधर होता है 1 2 ऐसे करके जाता रहता है, इधर आते हैं तो -1 और -2 इस तरह से। यानी जो नेगेटिव नंबर्स होंगे और पॉजिटिव नंबर्स होंगे और जीरो, इन तीनों को मिला करके हम कहेंगे उसको इंटीजर्स। यहाँ पर देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलते हैं, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड। अगला आता है रैशनल नंबर्स, ऑल नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ R/S या P/Q, इस तरह से जो लिख सकते हैं अपान के रूप में उसको हम कह सकते हैं रैशनल नंबर, अभी हमने देख लिया। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं। अगला आता है टर्मिनेटिंग पॉइंट्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसको डिवाइड करने पर पॉइंट में आ जाए। जैसे मान लिया कि हमने डिवाइड किया
टू को फाइव से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, फाइव से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट जीरो बढ़ा दिया, फाइव फोर जा ट्वेंटी, तो देखिए यहाँ पर कट गया, अब कुछ बच नहीं रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, यानी जिसको डिवाइड करने के बाद कट जाए पूरा कम्प्लीटली, वो हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो कटते हैं, मतलब पॉइंट में बढ़ता जाए, जैसे वन बाई थ्री मान लो है सपोज दैट, तो थ्री से हम डिवाइड करेंगे अगर वन को, देखिए हम कर रहे हैं वन, तो यहाँ डेसिमल बढ़ा दीजिए, तो यहाँ जीरो हो गया, थ्री थ्री जा नाइन, फिर घटाएंगे वन बचेगा, फिर डेसिमल बढ़ाए जीरो, थ्री थ्री या नाइन, इस तरह से थ्री 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 चलता चला जाएगा, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है, इसमें रिपीट हो रहा है, तीन 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 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी रैशनल नंबर होगा। अगला आता है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कभी रिपीट भी नहीं होते और कटता ही नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर हो जाता है वो। यहाँ पर डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब वो रिपीट भी नहीं हो रहा है और कट भी नहीं रहा, डेसिमल ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स। ये आते हैं सब इरेशनल नंबर हो जाते हैं, ये इसी टाइप के होते हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसको हमने इस वीडियो में देखा, यहाँ पर देखा। अब हम एक्सरसाइज लगाएंगे ताकि वो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज है, 1.1 यानी फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज़ जीरो ए रैशनल नंबर। अभी हमने देखा रैशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या जीरो रैशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं यस, बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो अपान वन लिख सकते हैं, तो यानी पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये रैशनल नंबर है, जीरो बाई वन, जीरो बाई टू, जीरो बाई थ्री, इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये सब जीरो को हम कह सकते हैं ये एक रैशनल नंबर होगा। अब कहा जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स रैशनल नंबर बताना है थ्री और फोर के बीच में। फ्रेंड्स, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में लाखों करोड़ों नंबर हम लिख सकते हैं, एक दो नहीं लाखों करोड़ों लिख सकते हैं, आप जितना चाहें लिख सकते हैं किसी दो नंबर के बीच में। यहाँ सिक्स पूछा है तो बहुत ही आसान होता है, इसको क्या करिए, जैसे मान लो यहाँ थ्री है और यहाँ फोर है, थ्री और फोर के बीच में हमें सिक्स लिखना है, सिक्स रैशनल नंबर, तो क्या करिए, एक दो नंबर बढ़ा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे थ्री है तो थ्री बाई, आप क्या करें, पहले वन लिख सकते हैं, यहाँ पर फोर बाई वन लिख देंगे। तो करना क्या, मतलब जैसे मान लो छः बताना, तो साठ से सेवन से मल्टीप्लाई करिए, एट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे जैसे हम मान लो एट से मल्टीप्लाई करते हैं सपोर्ट दैट, तो ऊपर नीचे दोनों एट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए यहाँ एट थ्री जा ट्वेंटी फोर हो गया, और यहाँ हो जाएगा एट, उसी तरह यहाँ पर भी उसी नंबर यानी एट से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर भी, तो यहाँ हो जाएगा थर्टी टू अपान एट, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, 24 अपान 8 और 32 अपान 8। अब हम इसको फिर से देखते हैं, हमें मिल गया कितना, 24 अपान 8, और कहाँ तक गया है, 32 अपान 8 तक गया है। तो अब इसके नंबर बढ़ा लीजिए, 24 के बाद क्या आता है, 25 अपान 8, 26 अपान 8, 27 अपान 8, ऐसे ऐसे आप 32 तक लिख सकते हैं, यानी ये सारे नंबर जो होते हैं इसी के बीच में हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया सारा। तो इस तरह से आपको जितना पूछा जाए उतना लिख सकते हैं, बस ध्यान रखना है जैसे छः पूछा तो मिनिमम सात या आठ से मल्टीप्लाई करा करिए, मिनिमम दो नंबर बढ़ा करके, दस पूछ लिया तो बारह से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी ऊपर नीचे ट्वेल्व ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप जितना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें 25 बाई 8, 26 बाई 8, 27 बाई 8, 28 बाई 8, 29 बाई 8, 30 बाई 8, और आगे बढ़ाना चाहें तो 31 बाई 8 हो जाएगा ऐसे, और यहाँ आगे 32, और ये आ जाएगा आपका जो पहला नंबर था 24 अपॉन 8। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें, ऐसे आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना लिख सकते हैं।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि किसी दो नंबर के बीच में हम कितना भी रेशनल नंबर चाहें तो लिख सकते हैं। लिखने का तरीका आप समझ गए होंगे, उतना अपान वन करके, जैसे थ्री और फोर, जैसे मान लो दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लो पूछ लिया फाइव और सिक्स के बीच में पूछा है, तो फाइव और सिक्स के बीच में पूछा गया तो क्या करिए, यहाँ फाइव लिखिए और यहाँ सिक्स लिख दीजिए मान लीजिए, और इसके नीचे वन लिख दीजिए और इसके नीचे वन। अब कितना पूछा है, मान लो पूछा है दस नंबर बताइए, फाइव और सिक्स के बीच में टेन रेशनल नंबर बताइए, तो दस पूछा तो यहाँ बारह से मल्टीप्लाई कर दिए, ट्वेल्व और ट्वेल्व, यहाँ पर भी ट्वेल्व मल्टीप्लाई करिए, यहाँ ट्वेल्व मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर देखिए सिक्सटी अपान ट्वेल्व आ गया, और यहाँ सेवेंटी टू अपान ट्वेल्व आ गया। अब इसके बीच में जितने नंबर हैं सब भर दीजिए, सिक्सटी वन बाई ट्वेल्व, सिक्सटी टू बाई ट्वेल्व, ऐसे करते करते सेवेंटी टू तक लिख लीजिए। तो इस तरह से आप नेचुरल रेशनल नंबर जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, थोड़ा बढ़ा करके दो नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं। तो पहला दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फाइव रेशनल नंबर बिटवीन दिस। अब यहाँ देखिए अपान वाला दे दिया, यानी फ्रैक्शन में दे रखा है थ्री अपान फाइव और फोर अपान फाइव, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, प्रोसेस सेम है, उसी तरह से आपको करना जैसे आपने पीछे किया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है क्या थ्री बाई, पहले एक एक समझ लेते हैं, थ्री बाई फाइव है, अब पूछा कितना फाइव नंबर्स, तो करिए क्या फाइव से ज़्यादा बढ़ा के छः से मल्टीप्लाई करिए, सात से मल्टीप्लाई, जिससे आपकी इच्छा हो। पहले देखते हैं डिनोमिनेटर, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट कर लेंगे। अगर मान लो डिनोमिनेटर सही नहीं बराबर नहीं होता, थ्री बाई फाइव होता, यहाँ फोर बाई कुछ और होता, सिक्स सेवन हो जाता मान लिए, तो पहले क्या करते हैं नीचे का एलसीएम निकाल लेते, उसके बाद इस तरह से चलते, चूँकि यहाँ दे रखा बराबर तो कोई नहीं, इसी तरह कर लेंगे। अब यहाँ देखिए सिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर ऊपर और नीचे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 18 अपान पाँच छः तीस, तीस हो गया। तो पहला मिल गया क्या 18 बटे 30, तो हमारा फर्स्ट वाला मिल गया 18 अपान 30, ठीक है। और दूसरा देखिए ये 5 बाई 4 है, तो सेम प्रोसेस 4 बाई 5, 4 बाई 5 को भी किससे मल्टीप्लाई किया था आपने 6 से, तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो क्या होगा 6 जगह 24 अपान पाँच छः तीस, और 24 अपान 32 मिल गया। अब देखिए दोनों नंबर मिल गया हमें, एक मिल गया है 18 अपान 30 और दूसरा मिल गया है आपका 24 अपान 30। अब इसके बीच में नंबर लिख लीजिए, 18 है तो 19 बटे 30, 20 बटे 30, ऐसे आप बढ़ाते चलिए 24 तक, तो ये जो नंबर मिल जाएगा बीच के वो आपका रेशनल नंबर होगा इन बिटवीन दिस। तो इस तरह से आप इसके बीच में नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, और उसका रीजन भी दिखाना है, बताना है जो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है, और ये भी बताना है उसका रीजन, अगर ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों, उसका कारण भी बताना है। तो लिखा है पहला एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, अभी हमने शुरू में बताया था जो नेचुरल नंबर होता है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वन टू थ्री डॉट 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 करके, यानी नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग वन से होती है, और होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीरो वन टू थ्री ऐसे ऐसे करके जाता है। तो देखिए ये सारे नेचुरल नंबर जो थे वन टू थ्री फोर इसमें आ जा रहे हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा, क्योंकि जीरो देखिए यहाँ पर, यहाँ इसमें नहीं है, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन यही कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो यस ये सही है क्योंकि सारे नंबर उसमें आ गए। दिस इज़ ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स कंटेन ऑल नेचुरल नंबर, अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर जो जितने भी थे वो सारे के सारे आपके होल नंबर में आ जाते हैं, तो ये बात सही है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा है आपका एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो देखिए इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इंटीजर की शुरुआत होती है माइनस भी रहता है, जीरो भी रहता है और प्लस भी होता है, सभी नंबर आ जाते हैं, माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन जो भी है माइनस वाला टर्म भी आ जाता है पूरा, और जीरो भी रहेगा और आपका प्लस वाला भी डिजिट रहता है, तो वो इंटीजर में सब कुछ आ जाता है, लेकिन होल नंबर में क्या है, जीरो से लेकर के सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, लेकिन नेगेटिव नहीं होता है।
तो सभी इंटीजर जो है होल नंबर नहीं हो सकते हैं। हाँ, सभी होल नंबर जो है इंटीजर हो सकता है, क्योंकि वो पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पर आके मिल जाता है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यानी एवरी इंटीजर नंबर होल नंबर नहीं होता है, जबकि सभी होल नंबर इंटीजर हो सकता है। तो ये आपका दूसरा फॉल्स हो गया, तो आपको दूसरा समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखिए, कह रहा है रैशनल नंबर जो जितने भी हैं वो क्या होल नंबर हो सकते हैं सभी? तो जैसा कि आप जानते हैं, होल नंबर में केवल सीधे सीधे नंबर आता है, उसमें डेसिमल या फ्रैक्शन वाला नहीं आता है। 0, 1, 2, 3, 4, 1.4 नहीं होता, 1.5 नहीं होता है, सीधे सीधे नंबर होता है। यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब होल नंबर्स के अंतर्गत आ जाते हैं जीरो के साथ। लेकिन रैशनल नंबर में क्या होता है, अपान वाला भी आ जाता है, फ्रैक्शन वाला भी आ जाता है। जैसे 2/3 रैशनल नंबर है, 3/4 इस तरह से जो आता है वो रैशनल नंबर होता है। तो सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ कहा गया दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज एज रैशनल नंबर्स आर मे बी फ्रैक्शनल। अभी हमने बताया नहीं, फ्रैक्शन मिल सकता है, 3/5 भी हो सकता है, ये रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नहीं हो सकता है। बट होल नंबर्स आर नॉट बी, फॉर एग्जाम्पल 1/5 इज ए रैशनल नंबर, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। रैशनल नंबर में हम पॉइंट में भी ले लेंगे, अपान वाला भी ले लेंगे, यानी फ्रैक्शन वाला डिजिट भी ले सकते हैं, तो ये सब हो जाते हैं रैशनल नंबर। और होल नंबर में सीधे सीधे नंबर आते हैं जीरो के साथ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे डॉट 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 करते चले जाइए, तो ये सब होल नंबर होते हैं। लेकिन रैशनल नंबर में अपान वाला भी आ जाता है, फ्रैक्शन वाला भी आ जाता है, डेसिमल वाला भी आ जाता है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी फॉल्स है, क्योंकि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर कह रहा है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो था आपका एक्सरसाइज 1.1 के, जो हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब आता है नेक्स्ट 1.2। 1.2 में देखते हैं क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है नीचे जो लिखा हुआ है वो सही है कि गलत है, और उसका आंसर को जस्टिफाई भी करिए। पहला है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब यहाँ एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता, क्यों? सिंस द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर इज मेड अप ऑफ इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। जो रियल नंबर होता है, एक्चुअली अभी हमने देखा कि पहले देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या था, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो हो जाता है, इसको नहीं लिख सकते हैं तो हो जाता है इरेशनल नंबर। और इस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है रियल नंबर। तो यहाँ पर कह रहा है द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। तो आपको ये रियल नंबर समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, रेशनल नंबर वो होता है जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होता है जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो रियल और रैशनल और इरेशनल समझ में आ गया। और इन दोनों नंबर्स को, रैशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को, दोनों को मिला दिया जाए तो वो बन जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो सब कुछ आ गया ना, तो कह रहा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो यस। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है, दोनों नंबर है। और यहाँ पर कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो यस, ये तो है ही, क्योंकि दोनों आ गया उसमें, तो एक पूछा है तो एक है ही वो। तो ये कह सकते हैं एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अगर यहाँ पर कहता एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तब भी हो जाता, क्योंकि सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं और सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। दोनों बातें आपको याद रखना है, इरेशनल भी और रैशनल भी, दोनों रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ एक पूछा तो आपका ये आंसर सही हो गया। दूसरा देखिए, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, वेयर एम इज ए कोई नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये जरूरी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए स्क्वायर। कभी भी किसी नंबर, जो नेगेटिव नंबर होता है, उसका अभी कभी आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कहा जाए अंडर रूट -5, अंडर रूट -5 का आप रूट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि माइनस में है। या अंडर रूट 4 ही कह दिया गया, अंडर रूट -4,
अब अंडर रूट माइनस फोर का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर फोर होता तो फोर होता तो निकाल लेते, टू टू जा फोर यानी अंडर रूट फोर का टू आ गया, लेकिन माइनस का नहीं होता है। माइनस हटाने के लिए उसका अलग पढ़ेंगे, जो क्लास इलेवेंथ में एक रियल नंबर चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ हम उसको देखते हैं जेड के फॉर्म में आयोटा से मल्टीप्लाई करके तो देखते हैं। तो आपके सिलेबस में नहीं है वो, तो अलग है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता, तो वहाँ अलग तरीके से हम निकाल लेते हैं, निकालने का तरीका होता है। लेकिन ये यहाँ पर देखेंगे कि जो माइनस में है नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इतना आपको समझना है। अगला है एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। देखो यहाँ पर एवरी रियल नंबर कह रहा है, तो एवरी रियल नंबर रैशनल नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में क्या है, देखिए रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ गया और इरेशनल नंबर भी आ गया। अब इस बात को समझिए, रियल नंबर में क्या है, रैशनल और इरेशनल दोनों आ गया। यहाँ पर कह रहा है एवरी रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर ही हो जरूरी थोड़ी है, क्योंकि रैशनल भी तो हो सकता है, इरेशनल भी तो हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो कह रहा है सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर ही होंगे, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, तो ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि क्यों इरेशनल नंबर ही है। तो यहाँ पर ये सवाल गलत हो जाता है कि रियल नंबर रेशनल नंबर ही हो। एज रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल और इरेशनल नंबर, देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। सभी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ रियल भी होते हैं और कुछ इरेशनल भी होते हैं, सॉरी कुछ रेशनल भी होते हैं कुछ इरेशनल भी होते हैं, तो दोनों आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि इरेशनल ही होता है, तो ये सवाल गलत हो गया, यानी या इसका स्टेटमेंट ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कह रहा है सभी पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव इंटीजर्स के हैं वो इरेशनल होंगे। इफ़ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। आपको अगर ये है कि नहीं है तो इसका एग्जांपल्स दीजिए, देख लेते हैं। मान लिया अंडर रूट फोर है, अंडर रूट फोर का आपने रूट निकाला तो टू मिल गया, इस तरह से अंडर रूट नाइन है उसका निकाला तो थ्री मिल गया। तो दियर फोर हियर थ्री एंड फाइव आर रैशनल नंबर, इसको हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टू बाई वन लिख सकते हैं और थ्री बाई वन भी लिख सकते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही तो है कि जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो टू बाई वन थ्री बाई वन इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रियल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है। तो पहला कंडीशन ये हो गया, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। अब देखिए यहाँ पर जब आप स्क्वायर रूट निकाला तो देखिए टू जो आया है ये इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि ये रैशनल नंबर है। उस तरह अंडर रूट थ्री का निकाला, नाइन का निकाला तो क्या आया, थ्री। थ्री भी है पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर हुआ। तो यानी जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल नंबर नहीं होता बल्कि रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर यही बात तो कह रहा है, ऑल आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। देखिए इरेशनल कह रहा है जबकि होना क्या चाहिए, रैशनल नंबर। तो ये तो पहला बात गलत हो गया, इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल नंबर है, और इसका एग्जांपल हमने देकर देख लिया। अंडर रूट फोर का निकाला तो टू मिल गया, अंडर रूट नाइन का निकाला तो हमें थ्री मिल गया, और जो दोनों को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं यानी रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स। तो आई थिंक आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, सो दैट अंडर रूट फाइव कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। अंडर रूट फाइव को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, इसको दिखाना है। तो ये आसान है, कोई नहीं। अंडर रूट फाइव को हम कैसे लिखेंगे, देखिए फाइव को लिख सकते हैं फोर प्लस वन, फोर प्लस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अंडर रूट फोर का होता है टू, ये तो हम जानते हैं, और वन का हो जाता है वन। इस तरह से देखिए अंडर रूट फाइव को लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिटा कर देखते हैं, ये अंडर रूट फाइव को लिख सकते हैं फोर प्लस वन, इसका मतलब क्या हुआ, टू का स्क्वायर
प्लस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही किया गया है, टू का स्क्वायर। इसको निकालने का तरीका ये होता है, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर जो ये टू आया है, तो यहाँ जीरो से लेकर टू तक नंबर ले लेंगे, और ये वाला जो टर्म आता है उसको यहाँ से ऊपर एक सेंटीमीटर ले लेंगे, यानी टू सेंटीमीटर इधर और वन सेंटीमीटर इधर। और इसको हम जब ड्रा करेंगे हाइपोटेनस, तो ये हो जाता है अंडर रूट फाइव, क्योंकि इसी तरह तो है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है। और वही ये बन गया, यानी टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, यानी टू ये हो जाएगा और वन ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस आपका ये फाइव हो गया। तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया, यस इसको हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही चीज इसमें लिखा है, आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा। इसी तरह आप कोई भी डिजिट हो उसका निकाल सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 2.1, जिसके सभी क्वेश्चंस को हमने इसमें डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पर, 1.3। यानी ये सब एनसीईआरटी बुक से लिया है। एनसीईआरटी के बुक्स को आपको सिविल सर्विसेज में भी पढ़ना होता है, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम कोई होता है वहाँ पर भी पढ़ना पड़ता है, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये रसायन में पढ़ना पड़ता है। और टॉपिक वाइज बढ़िया से पढ़ने के लिए एनसीईआरटी की बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है। और साथ ही साथ ये चैप्टर दोनों बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, और क्लास नाइन्थ में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट रखता है। तो दोनों पॉइंट अभी से अच्छा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, 1.3। इसमें देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। किस तरह से, अभी हमने देखा है डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होता है। इस तरह से कई प्रकार के डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, डेसिमल फॉर्म होते हैं। तो उसी को आइडेंटिफाई करके हमें बताना है कि किस तरह का ये है। तो इसमें 6 क्वेश्चन है, आपको आसानी समझ में आएगा, एक वन बाई वन समझाते हैं। देखिए पहला 36/100 है। अब 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 0.36 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ख़त्म हो गया, यानी पूरी तरह ये कट गया, अब इसमें कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब कुछ बचता नहीं है डिवाइड करने के बाद तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो पहला समझ में आ गया होगा आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसको सीधा सीधा काट दें। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 2/5 एग्जांपल के रूप में ले लो, 2/5 है आपके पास। तो इसको क्या करेंगे, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल बढ़ा दिए 0, 5 4 20। अब देखिए कट गया, कुछ बचा नहीं रिमाइंडर, तो आंसर क्या है, 0.4। तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अब कुछ बचा नहीं, सीधा सीधा काट दिया आपने, डिवाइड करके कंप्लीट कर दिया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला देखिए, दूसरा नंबर 1/11 लिखा है, यहाँ देखिए 1/11। तो इसको भी हम करके देखते हैं, 1 को डिवाइड करने जा रहे हैं 11 से, तो डेसिमल बढ़ाइए, 0 अभी नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा दीजिए, 0 11 9 जा 99, एक बच गया 1, और फिर डेसिमल बढ़ा 0 0। यानी देखिए ये क्या होता है, इसी तरह 999 आता चला जाएगा, लेकिन जब नंबर रिपीट, यहाँ देखिए हमने किया है 0.09 09 09 09, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। जब आप डिवाइड करोगे इसको 1 को 11 से, तो आपका ये होगा 0.09, फिर 09, फिर 09, फिर 09, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए ये बढ़ता जा रहा है तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी ऐसा नहीं डिवाइड किया आपने ख़त्म हो गया, अगर ख़त्म हो जाता तो टर्मिनेटिंग आ जाता है। तो ऐसे नंबर जो कभी ख़त्म ही नहीं हो और कटते चले जाएं, डिवाइड करते चले जाए, डिवाइड करते चले जाए, तो उस नंबर्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, और टर्मिनेटिंग आप पहले समझिए। अब देखिए दूसरा चीज़ें, अब हमने नॉन टर्मिनेटिंग तो समझ लिया, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि 0.09 09 09, अब यहाँ देखिए 09 09 09 रिपीट हो रहा है। तो जब एक फिक्स नंबर में, ऐसा नहीं कि वो नंबर अलग अलग हो जा रहा है, 09 09 09 09 ऐसे रिपीट हो रहा है,
तो ऐसे नंबर को कहते हैं रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर रियल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.09 ऊपर बार लगा देंगे दो डिजिट पर, क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आगे उसको देखेंगे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। और अगर कोई नंबर डिवाइड करने के बाद डेसिमल में आता है और रिपीट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, लेकिन वो रिपीट हो रहा है, तो वो रेशनल नंबर की श्रेणी में आ जाएगा और उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो 1/11 आपका ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है 4 carry 1/8, यानी 4 सही 1/8। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको नंबर में चेंज कर लेते हैं। जैसे आप देखिए 4 सही 1/8 है ना, तो आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 8 32 और इसको जोड़ देते हैं 33, यानी 33/8 ये हो गया। अब क्या करेंगे, 33/8 को डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 चौक 32 कट, 1 आ गया, डेसिमल बढ़ाइए 0 आ गया, 4 1 जा 4 सॉरी 8 1 जा 8 कट गया, 2 बचा, डेसिमल बढ़ा 0, तो 8 9 16 कट गया, 4 बचा, डेसिमल बढ़ाए 8 5 40। देखिए यहाँ पर पूरा कट गया, कुछ बचा नहीं, अब कट गया। तो जब कट जाता तो क्या कहते हैं उसको, टर्मिनेटिंग। यहाँ सीधा सीधा हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद कट जा रहा है, तो 4.125 आ गया। तो इसको, इस नंबर को हम कहें किस प्रकार का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 3/13। अब आपको डिवाइड करने, जब यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट समझा दे रहे हैं क्योंकि डिवाइड करना आपको आता है। तो देखो, अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर मिलेगा। तो इस नंबर को ध्यान से देखिए, 0.23769 यहाँ तक देखिए, ये नंबर फिर रिपीट हो रहा है। देखिए 3, यहाँ देखिए पहला 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, फिर 0 है, 0 है, 7 है, 7 है, 6 है, 6 है, 9 है, 9 है। यानी कि आपका 0.23079 यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। आगे देखेंगे तो फिर यही नंबर रिपीट हो जाएगा, फिर आगे नंबर रिपीट हो जाएगा, आगे फिर यही नंबर रिपीट हो रहा है। तो यानी जितने नंबर पर रिपीटिशन होता है उतने पर बार लगा देते हैं, यानी नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यह है नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहा है। तो जब नंबर नहीं ख़त्म होता, डिवाइड होता चला जाता है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए नंबर रिपीट हो रहा है वही आगे चलकर, तो उसको रिपीटिंग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर क्यों है। नेक्स्ट देख लेते हैं 2/11। अब 2/11 फिर इसको भी आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखिए, 0 के बाद में 0.18181818 ऐसे रिपीट होता जा रहा है, यानी 1/8 रिपीट हो रहा है। तो 1/8 पर बार लगा देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया 0.18, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि डिवाइड करने पर ख़त्म नहीं हो रहा है, वो चलता जा रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, 1/8 1/8 1/8 रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा रिपीटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग क्यों हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है, यानी 18 18 18 डिवाइड होता चला जा रहा है, तो ये रिपीटिंग हो गया। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से आप 2 329/4 इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो यही नंबर मिल जाएगा। तो सीधा सीधा कट गया, कुछ बचा ही नहीं है, यानी ये टर्मिनेट हो गया। तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद ये 0.8225 मिल जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यू नो दैट 1/7, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 1/7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, इस नंबर का क्या होगा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इस तरह से बताना है आपको, क्या पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं जब इस तरह का है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यस आई कैन डन द फॉलोइंग, इसको हम कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है, एक चीज़ और समझ लीजिए, 1/7 लिखा है, 2/7 लिखा मान लो ऐसे करके, तो 1/7 के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखिए 2/7 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 1/7 ऐसे लिख सकते हैं। वैसे मान लो 3/7 है सपोज दैट, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 1/7। अब देखिए यहाँ पर 1/7 आया है दोनों में, तो 1/7 का वैल्यू हमारे पास है, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए तो 2 × 2 कर दीजिए इतना, तो 2/7 हो जाएगा। 3/7 करना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे आप जितना चाहे मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। यहाँ पर वही चीज़ समझाया गया है, देखिए यहाँ 2/7 को लिखा है 2 × 1/7, 1/7 की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर रख दिया 2 से मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया। उसी तरह से आप देखिए 3/7, इसको 3 × 1/7 लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। 4/7 है, 4 × 1/7 कर देंगे, ऐसे लिख दे। इस तरह से सभी नंबर आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए और आपको आंसर मिलता चला जाएगा। तो ये एकदम आसान था, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पी बाई क्यू। देखिए अभी हमने जो बताया था कि आगे बताएंगे, तो वही नंबर आ गया। देखिए इसमें करना क्या होता है, एकदम आसान होता है, इसको हम स्पेस लेकर करते हैं थोड़ा सा, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 0.6 मान लिया x बराबर, सपोज दैट x इज इक्वल टू, ये जो 0.6 बार लिखा है, इस बार का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर बार लगा वो नंबर रिपीट हो रहा है, इसका यही मतलब होता है। तो 0.6 जो है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 0.6666 ऐसे लिखते चले जाएंगे, डॉट 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 बढ़ता जाएगा। अब जितने नंबर पर बार लगा होता है, जैसे एक नंबर पर बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर पर बार लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जितने पर बार लगा होता है उतना ही जीरो होना चाहिए। जैसे 5 नंबर पर बार लगा है तो 1 लिख करके 5 0 इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर समझ में आ गया, फर्स्ट नंबर क्या होता है x बराबर 0.666 ऐसे करते चले जाएंगे। अब देखिए हमने कहा जितने पर होता है उतना 10 से मल्टीप्लाई करती है, एक पर है तो 10 से मल्टीप्लाई। अब ये इक्वेशन जो है पहला आया है इसको आप 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 10x हो जाएगा, 10x बराबर, और ये 0.66 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.1 हो जाए, 6.6 हो जाएगा, ये डेसिमल लिखे तक जाएगा, तो यह हो जाएगा 6.666 ऐसे चला जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई, पहला x बराबर करके वही लिख देते हैं, दूसरा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर एक पर रिपीट है तो दो पर रिपीट होगा 100 से। अब क्या करिए, एक आया क्या है आपका 10x बराबर 6.666 यही तो आया है, दूसरा आपके पास क्या था x बराबर 0.66 ऐसे ऐसे करके जाएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, ओके। और यहाँ देखिए पॉइंट के बाद सारे 1.6 कटते चले जाएंगे, सारे कट जाएंगे। अब बचेगा ये 6 में से 0 गया 6, तो यहाँ 9x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, तो इसको काट दीजिए, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, क्या मिल गया 2/3, तो इसका आंसर आ गया आपका 2/3। ये आपका p by q के रूप में लिख गया, तो हम कह सकते हैं ये एक रेशनल नंबर है, इसमें ही दिया होगा। देखिए यहाँ x की वैल्यू आ गया आपका 2/3। इस तरह हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ 47 पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 47 रिपीट होगा, सॉरी इस पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 4.47 यानी 7 पर बार लगा हुआ है, तो 7 7 रिपीट होता चला जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है, इसको करने का तरीका ये होता है कि जो जैसे लिखा है 0.47 और 7 पर बार लगा, 4 पर नहीं लगा है,
तो क्या करते हैं, जो डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लो 0.4 लिखा है तो डेसिमल हटाने के लिए इस पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, और जितना डिजिट रहता है उतना 0 बढ़ा, जैसे यहाँ 1 है तो 1 0 बढ़ा दिया, ये डेसिमल ख़त्म। तो यहाँ इसको 4/10 लिख देंगे, और बाकी जो बचा हुआ है जैसे 777 जा रहा है, तो एक नंबर रिपीट होता है तो 10 से डिवाइड करते हैं, दो नंबर रिपीट होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, जैसे वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पर इसे डिवाइड कर देते हैं, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 0.777 जा रहा है, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ए डेसिमल एक खिसक के यहाँ आ जाएगा, यानी 7.77 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ देखिए डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर जो पहले हमने इसको एक्स मान लिया, जिसे ये वैल्यू थी, इसको हमने एक्स मान लिया, यानी जो रिपीट हो रहा था 0.77, इसको एक्स मान लिया। अब उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर इतना हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए 10x+x, यानी ये वैल्यू जो आपका अलग था उसको हमने यहाँ x के रूप में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखेंगे इस x को आप इधर लाइए, यानी 10x बराबर है 7+x, तो इस x को इधर लाएंगे, 10x माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 7। तो यहाँ देखिए 10x में से एक x गया, 9x हो जाएगा, 9x बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा 7/9, ये इसके नीचे आ जाता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू हमें मिल गई, तो इसी में आगे ऊपर जो था वहाँ पर हम पुट कर देंगे, जैसे यहाँ लिखा है 10/7, ये है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, ये 4/10 था, और इसको हमने क्या किया, 7/90, अच्छा जिस ये भी ध्यान रखना है, 9 लिखकर उतना 0 बढ़ाते हैं, तो 90 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 10 और 90 का हो जाएगा एलसीएम, सॉरी 90 हो जाएगा, और फिर जैसे आप सॉल्व करते इसे सॉल्व कर लेते ये आ जाएगा। सर एग्ज़ाम में आपके सीसेट हो या अदर कोई एग्ज़ाम हो, इसमें इसी तरह से पूछा जाएगा, ऐसे दे देगा ये वैल्यू, और इसके बाद ये वैल्यू जो फाइनल निकालते हैं वो निकालना होता है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 0.001 रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.001, इसी को फिर लिखेंगे 0.01001, इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये आपका इस तरह से है, तो उसी तरह आपका ये खोल दिया, x बराबर कर दिया। अब देखो 3 नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमने कहा जितने पर पावर होता ना उतने 0 से मल्टीप्लाई, से एक पावर एक डिजिट पर पावर बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 2 रहेगा तो 100 से करेंगे, 3 रहेगा तो आपका 1000 से करेंगे, इस तरह से हम करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखे यहाँ 3 पर बार लगा, यानी 1000 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई जब करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए ये 3 डिजिट डेसिमल खिसक जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा डेसिमल, तो देखिए ये इस तरह बन गया, और जब घटाएंगे तो ये सब पीछे कट जाएगा, है ना, तो एक बच जाएगा केवल, तो इसको फिर ऐसे लगा लेंगे घटा करके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 99 आ जाएगा, 99x, यानी आपका कितना था 1000x था ऊपर और नीचे x था, तो घटाएँगे तो 99x हो जाएगा, और उधर उस साइड में 1 बच जा रहा है, तो इसको नीचे लाएंगे तो 1/999 हो जाएगा, यही आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी जिसको आपको निकालना था, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपने देखा सेम प्रोसेस से ये भी है, जैसे 999 रिपीट हो रहा है, देखिए 0.9999 रिपीट हो रहा है, तो इसको आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं 0.9 पर बार, है ना। तो इसको क्या करिए, एक्स बराबर मानिए, एक्स बराबर 0.999 ऐसे लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन मान लीजिए, और फिर उसके बाद में चूंकि एक नंबर रिपीट होता है तो 10x कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर 10x बराबर, ये डेसिमल यहाँ खिसक जाएगा, तो 9.999 ऐसे चला जाएगा, लिखते एक सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो ये पॉइंट के बाद 9 सब कट जाएगा, तो यहाँ देखिए 10x में से एक एक्स घटेगा तो 9x बच जाएगा, और यहाँ देखिए ये 9 में से 0 घटेगा तो 9 बच गया, यानी आपका 9x बराबर 9 हो गया, तो x बराबर 1 आ जाएगा, ये डिवाइड करके निकाल दिया। सेम प्रोसेस से ये भी है, 1/17 है, तो डिवाइड करेंगे, देखिए ये नंबर आ रहा है इतना बड़ा, तो भी देयर आर 16 डिजिट यहाँ है, इज रिपीटिंग ब्लॉक डेसिमल, यहाँ ये भी रिपीट कर रहा है 16 के बाद, 16 डिजिट के बाद भी, तो हम सिंपल इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन. अब कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये सब दिया है, तो इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, कैसे सेटिस्फाई करेंगे? तो सिंपल है, 9/4 को जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में, या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अकर 9/4 इतना इतना है, ये सोने से आता है, दो चार पाँच ये है ना, तो आप एक एक को छोड़ के, एक्सेप्ट वन कह रहा है ना, तो एक को छोड़ दीजिए. तो देखिए आपका 9/4, 11/8 इस तरह का डिजिट मिल रहा है, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा है. तो यहाँ पर इन ओनली 5 और 2 जो है बोथ हैं, और बाकी इस तरह से है. तो ये तो आसान क्वेश्चन था, इसको आपने पीछे किया उसी तरह है, ज़्यादा टफ नहीं है. राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. यहाँ देखिए दो चीज़ें बताएं, नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए मतलब ख़त्म ही ना हो, और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट ना हो, और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीटिशन भी नहीं होना चाहिए. तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर चेंज करते चले जाइए. देखिए 5 के बाद 1 0 है, 5 के बाद 2 0 है, 5 के बाद 3 0, 5 के बाद 4 0, ऐसे जीरो संख्या आप चेंज करते चले जाइए, तो वो कभी ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिकरिंग होगा. तो दोनों आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन. इस तरह आप कोई भी डिजिट बना सकते हैं, बस उसमें चेंज कर दीजिए, डिजिट बीच बीच में बदल दिया करिए. तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल पूछा, तो आप 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, ये इसके बीच में रेशनल नंबर बताना 3, तो अभी हमने बताया था इस तीनों के नीचे एलसीएम ले लीजिए, फिर जितना पूछा है उससे 2 बढ़ा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए. शुरू शुरू में बताया था, सेम वही प्रोसेस है, बस कुछ करना नहीं है. या दूसरा तरीका है, डिवाइड कर लीजिए. सेकंड को तरीका यह है, क्या डिवाइड कर लीजिए इसको, 5 को 7 से डिवाइड करिए तो ये मिल गया, और इसको इससे डिवाइड करिए तो ये मिल गया, और दोनों को एक्सपेंड कर दीजिए, बन जाएगा आपका, उसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे. लेकिन इरेशनल नंबर बनेगा रेशनल आर 3, उसमें देखेंगे बहुत सारे नंबर बनेगा, तो 3 है इसमें, ये तो आसान, कोई दिक्कत नहीं. अगला है, क्लासीफाई द नंबर फॉलोइंग आर रेशनल आर इरेशनल. अब यहाँ रेशनल और इरेशनल नंबर बताना है, तो हमने बताया भी रेशनल नंबर वो नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में आ जाए, और इरेशनल वो है जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं आता है. जैसे यहाँ ऊपर देख लीजिए, ये जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई फिक्स नंबर नहीं था, यहाँ देखिए 5 के बाद 1 0, 5 के बाद 2 0, तो ये इरेशनल नंबर हो गया, इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं ले सकते हैं. जबकि वहाँ ऊपर देखिए, जैसे आपका ये नंबर था 1/17, सॉरी 1/17 छोड़े, और आगे ऊपर देखिए सिंपल एग्जांपल आपको दिखा देते, ये सारे नंबर्स, जैसे 0.6 था, बार लगा है, तो ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि बाद में हमने क्या किया, सॉल्व करके पी बाई क्यू के रूप में लिख लिया, देखिए 2/3 आ गया. तो इस तरह से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के आप ढेर सारे एग्जांपल दे सकते हैं. तो ये हो गया आपका रेशनल, और 3 एग्जांपल देना, 3 आप लिख सकते हैं. यहाँ इरेशनल, सॉरी रेशनल पूछा है तो निकाल देंगे रेशनल जो भी है. यहाँ पर वेरीफाई करना है रेशनल कौन सा, इरेशनल कौन सा है. यहाँ देखिए अंडर रूट 3 2 3 का, यानी 23 का निकालेंगे तो ये आ रहा है. अब इसमें देखिए नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 4.7958315231, देखिए कोई नंबर रिपीट नहीं मिल रहा है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया. यानी नंबर रिपीट नहीं होगा तो हम पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे. अब यहाँ देखो 2 to 5 अंडर रूट निकालेंगे तो 15 आ गया, और 15 को हम आराम से लिख सकते हैं 15/1, तो इरेशनल नंबर बन गया. इस तरह से आप जितना भी होगा निकाल सकते हैं, ऐसे इसको भी चेंज कर सकते हैं. इस तरह से आप निकाल के एक बार देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. तो इस तरह से हमने 1.3 तक देख लिया है. तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा.